काफी टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे लिए टूल वेबसाइट लेके आओ, और वो जो टूल होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टूल स्क्रिप्ट अवेलेबल है, बहुत यूट्यूबर्स उनके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, पर हमारे लिए कुछ डिफरेंट टूल लेके आओ। सो गाइस, आज का जो टूल है वो बहुत ही डिफरेंट है, और ये टूल मैंने खुद डेवलप किया है, और वो भी चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, सो गाइस, आपके सामने ये टूल वेबसाइट रेडी है। इस टूल वेबसाइट का नेम है अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अब यहां पर इंग्लिश में आपको किसी भी आर्टिकल को पेस्ट करना है, और नीचे आपको यहां पर अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हो, आप अरबी में कर सकते हो, आप बंगाली में कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में यहां पर आपको सिलेक्ट करना है और यहां से ट्रांसलेट करना है। तो बेसिकली ये टूल वेबसाइट का बेनिफिट यही होगा कि आप किसी भी आर्टिकल को यहां से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, और ये गूगल ट्रांसलेट जैसा नहीं है। यहां पर 100% to 100% आपकी लैंग्वेज कन्वर्ट होगी और रियल वर्डिंग यहां पर मिलेगी आपको। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको एक डेमो दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा, माय नेम इज राज वल्तारा, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। ओके, मैंने ये इंग्लिश में लिखा है यहां पर। ठीक है, अब गाइस हमें क्या करना है, जिस लैंग्वेज में उसे मुझे ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज में चॉइस करता हूं। तो मैं मराठी चॉइस करूंगा और यहां पर ट्रांसलेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप नीचे देख सकते हो मराठी में ट्रांसलेट हो चुका है, माझे नाव राज वल्तारा आहे, मी फिटनेस ट्रेनर आहे। ठीक है, अगर मुझे ये हिंदी में करना हो तो मैं इधर हिंदी सेलेक्ट करूंगा और यहां पर ट्रांसलेट करूंगा। ओके, तो नीचे आ चुका है, मेरा नाम राज वल्तारा है, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं। तो गाइस ये जो टूल है भाई फ्री में है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे वेबसाइट के ऊपर जाओगे और इस टूल स्क्रिप्ट को डाउनलोड करोगे। अब गाइस आपने अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो मैं आपको इस टूल वेबसाइट का एसईओ बताने वाला हूं, कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं वो सिखाने वाला हूं, और कुछ टिप्स है टूल वेबसाइट को रैंक करने के बारे में, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखो तो आप इस टूल का बेनिफिट ले सकते हो, फायदा उठा सकते हो। ठीक है, ओके, सो गाइस मेरा नाम है राज वल्तारा, आप हो वल्तारा एक्सप्लेनिंग चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो गाइस वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी ऐड करूंगा मैं मेरे खुद के कोर्स के बारे में। ये मेरा एक कोर्स है, ये कंप्लीट ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। इसके अंदर मैंने ब्लॉगर के बारे में एडवांस लेवल का जितना भी नॉलेज है सब शेयर किया है। ठीक है, ये जीरो टू एडवांस लेवल का पूरा कोर्स है। अब यहां पर इसके टॉपिक्स आपके देख सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, यहां पर आके आप जरूर इसे बाय करो, क्योंकि यहां से ही आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप मूवीज वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप मेरे डिजिटल वल्तारा वेबसाइट के ऊपर आ सकते हो, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर मैंने लेटेस्ट मूवी पोस्ट रखे हैं। उसके बाद में यहां पर आप देख सकते हो 10 टूल वेबसाइट मैंने यहां पर दिए हैं 199 रुपीज में। ठीक है, उसके बाद में एक मूवीज वेबसाइट का पूरा पैकेज मैंने यहाँ पर दिया है आप लोगों को। ठीक है, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। कभी भी आपको किसी भी टूल स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना होता है तो आपके पास ब्लॉगर का अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ब्लॉगर अकाउंट है ऑलरेडी। आपको ब्लॉगर अकाउंट नहीं पता तो यार बहुत ही सिंपल है, आपको गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर आपको टाइप करना है ब्लॉगर, और आपके सामने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आप सीधा आओगे ब्लॉगर के डैशबोर्ड के अंदर, पर ऐसा डैशबोर्ड नहीं होगा, आपके सामने क्रिएट ब्लॉग का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर न्यू ब्लॉग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। ठीक है,
तो मैं यहां से आपको अब सिखाने वाला हूं कैसे आप इस टूल स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करोगे और इसका अच्छे से SEO करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले आप कभी भी टूल वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर कौन है। तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर गूगल है, ठीक है। तो पर गाइस यहाँ पर गूगल भी 100% वर्क नहीं देता अपने टूल से, क्योंकि देखो आप कभी भी इंग्लिश में लिखो, हिंदी में ट्रांसलेट करो उसे, तो वो 100% नहीं ट्रांसलेट होता। आपके अंदर कुछ रिपेयरिंग करनी पड़ती है, फिर वो आप किसी जगह पर पेस्ट करते हो। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो है खुद गूगल, ठीक है। गूगल क्यों आपका कॉम्पिटिटर है? क्योंकि भाई गूगल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है गूगल ट्रांसलेटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, वो है गूगल। तो गूगल का जो टाइटल है आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ओके, अब हमने क्या डाला, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर देखो गूगल ट्रांसलेट करके आया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर टाइटल देखो, अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप, गूगल ऐप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस यहाँ पर इस कीवर्ड को यहां से कॉपी करेंगे और जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी। और आपको चैट जीपीटी के अंदर साइन अप कर लेना है। अगर आपको नहीं पता तो यार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, आपको ऑब्वियसली पता होगा क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो चैट जीपीटी जैसे ही ऑन किया मैंने, जब आपका चैट जीपीटी ओपन होता है तो यहां पर आके आपको उस कीवर्ड को पेस्ट करना है और यहां पर आपको लिखना है इस टॉपिक पर मुझे कीवर्ड दो, ठीक है, और इसे एंटर करना है। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हो आपके सामने कीवर्ड का खजाना आ चुका है। यहां पर देखो सेम टू सेम आपको गूगल का कीवर्ड यहां पर यूज नहीं करना है। यहां पर देखो ये वाला जो कीवर्ड है सबसे पहले वाला, इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और हमारे टाइटल में इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने टाइटल में इसे पेस्ट कर दिया और मैं यहां से नेक्स्ट करूंगा। अब हमारे ब्लॉग का जो टाइटल होगा वो भी मैं यही पेस्ट करूंगा यहां पर। उसके बाद में सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका यहां पर ब्लॉग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये ब्लॉग आपका क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टूल वेबसाइट को क्रिएट करने से पहले SEO सेटिंग जरूर करनी है ब्लॉग वेबसाइट की। तो सबसे पहले हम वापस चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और यहां पर हम लिखेंगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो। सो गाइस यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन दिया है चैट जीपीटी ने, तो मैं यहां से कॉपी करूंगा। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मेन सेटिंग को कर लेना है। तो आपको जाना है सेटिंग के ऊपर और यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है और यहां से आपको नीचे आना है। अब गाइस यहां पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल एंड इंडेक्सिंग का जो पार्ट है इसके नीचे यहां पर आप देख सकते हो एनेबल कस्टम रोबोट हेड टैग, इसे आपको एनेबल करना है। और जो होम पेज है इसको आपको अल करना है और यहां पर नो डीपी करके सेव करना है। टूल वेबसाइट की सबसे बेस्ट सेटिंग है ये, बाकी के जितने भी ऑप्शन है वे आपके कुछ भी काम के नहीं आने वाले, ठीक है। तो बस यही करना है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहां से आएंगे थीम के अंदर, क्लासिक थीम के ऊपर क्लिक करना है और यहां पर विदाउट बैकअप के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, चेंज नाउ बार के ऊपर क्लिक करके इसे सबसे पहले ऑफ कर देना है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूं। ओके, अब एडिट एचटीएमएल के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जितना भी कोड है इसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको मेरे वेबसाइट के ऊपर जाना है, अल लैंग्वेज ट्रांसलेट की जो स्क्रिप्ट है उसे डाउनलोड करना है। उसका कोड कुछ इस तरह का होगा, मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, कंट्रोल अल करके इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके उसे पेस्ट करना है, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ से पीछे आ जाऊँगा। ओके, अब गाइस यहाँ पर हम इसे व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे, तो ये जो आपकी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। बस ये इंस्टॉल हो चुकी है, इसका प्रॉपर SEO नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देता हूँ।
ओके तो अब गाइस ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा माय नेम इज वल्तरा, आई एम अ यूट्यूबर। मैं हिंदी में यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके तो मेरा नाम वल्तरा है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेबसाइट 100% वर्क कर रही है। ओके अब बात करेंगे टूल वेबसाइट को कैसे हम गूगल के अंदर इंडेक्स करें और कैसे इसे रैंक करें। तो गाइज जो सेटिंग मैंने बताई आपको सेटिंग में आना है। ओके तो कस्टम रोबोट हेडर टैग की जो सेटिंग है ये होम पेज के ऊपर क्लिक करके इसे जरूर एनेबल करें, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब गाइज गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक डोमेन नेम 100% लेना है। अगर आप डोमेन नेम नहीं लेते हो तो यार यहाँ पर आप वेरीफाई नहीं हो सकते, ठीक है, और गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो सकते। बहुत चीप प्राइस में डोमेन नेम मिलता है। अगर आप बिग रॉक के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर मेरे डोमेन नेम का जो नेम है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और यहाँ पर मैं इसे सर्च करता हूँ। तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर 100% मिल ही जाएगा यार, बहुत सस्ते में मिल जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 99 रुपीज में लैंग्वेज ट्रांसलेटर डॉट ऑनलाइन, भाई वो भी एक साल के लिए ऑसम है। तो आप यहाँ से जो चाहिए वो डोमेन नेम यहाँ से ले सकते हो और उस डोमेन नेम को आपको ब्लॉगर से अटैच करना है सबसे पहले। अगर आपको नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है मेरे कोर्स की, आप उसे बाय करके कंप्लीट नॉलेज आपको लेना है, ठीक है। अब यहां से गाइस आपको अपने डोमेन नेम को वेरीफाई करना है। अगर आप डोमेन नेम को वेरीफाई नहीं करते हो तो टूल वेबसाइट कभी भी वेरीफाई नहीं होती गूगल कंसोल से, ठीक है, और नहीं होगी तो गूगल के अंदर इंडेक्स भी नहीं होगी। ओके सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।